देश में गिरता जीडीपी और बैंकों के सिविलियन को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री को ये पता नहीं है कि 1,86,000 करोड़ आरबीआई से सरकार निकाल कर ले रही है, उसका क्या करना है। स्थिति यह है कि जो बांग्लादेश की करेंसी है, भारत उससे भी नीचे आ गया है। आज पूरे देश में मंदी का दौर है, अर्थव्यवस्था चौपट है। यहाँ के भाजपा नेताओं से मैं कहना चाहूंगा कि आप पहले देश की चिंता करें। रमन जी और विक्रम उसेंडी, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष, अब बयान दें कि इतनी गिरावट क्यों आई। बैंका का जो सिविलियन हो किया जा रहा है, इससे हजारों अधिकारी कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। लगातार छटनी चल रही है, देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। बता दें कि देश की आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 की अप्रैल जून तिमाही में घटकर 5% रह गई है। वित्त मंत्री को ये पता नहीं कि 1,86,000 करोड़ जो आरबीआई से सरकार निकाल के ले रही है, उसका क्या करना है। स्थिति ये है कि जो बांग्लादेश के जो करेंसी है, उससे भी नीचे आ गया है। आज पूरे देश में मंदी का दौर है, अर्थव्यवस्था चौपट है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहूँगा, आप पहले देश की चिंता करें। रमन सिंह जी और विक्रम उसेंडी जी अब बयान दे कि इतना गिरावट क्यों आया।